हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का जो टॉपिक हमारा देख लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है क्लास सिक्स का, जो आपका भूगोल है वो चल रहा था, तो जिसके हम चार चैप्टर कवर कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि पांच नंबर चैप्टर है और पांच नंबर जो आपका चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो चार चैप्टर आपके पीछे निकल चुके हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थे आपके, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री वगैरह देखें तो क्लास सिक्स सेवन का या फिर एट का आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिशन के हिसाब से, लेकिन जो हमारा भूगोल है ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्लास सिक्स से लेके और पूरा आपका क्लास बारह तक, पूरी एक एक लाइन अगर आप छोड़ते हैं तो आपके एक एक क्वेश्चन छूट जाएंगे। हर लाइन में आपको एक क्वेश्चन मिलता है इसमें, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो देखिए एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी पूरा शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और अगर आपको वीडियो में चीजें समझ में आती हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और क्या करना है आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। और नोटिफिकेशन पहुंचने से आप क्या होगा, डेली डेली आप चैप्टर कवर करते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम है इसका, देखिए डेली हम एक चैप्टर कवर करते हैं आपका भूगोल का, ठीक है। तो आप डेली डेली चैप्टर कवर करते जाएंगे और जैसे ही हमारा भूगोल पूरा कंप्लीट होता है तो हम इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप साथ में लेते जाएंगे जिससे आपका पूरा भूगोल कवर हो जाएगा। इसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्लास छह से लेकर टेन तक आपका पूरा साइंस कवर हो चुका है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। और साइंस का आपके टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जो कि आपका 7 AM पे डेली सुबह लाइव चलता है 7 से 7:30, जिसमें हम 30-40 क्वेश्चन आपके कर लेते हैं ताकि चीजें आपकी कवर होती जाएं। चलिए आगे देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए इंपोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा आगे, जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है, ठीक है, और कोई ग्रह पे जीवन नहीं पाया जाता है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो हैं, देखिए जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं आपके वो पृथ्वी पर सब मौजूद हैं, इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पहली बात तो अगर हमें जीवित रहना है तो हमें भूमि चाहिए, रहने के लिए भूमि चाहिए और खेती करने के लिए भी भूमि चाहिए। दूसरी बात देखिए, हमें जल चाहिए, जल तो हमें लगेगा ही क्योंकि खेती करना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है तो जल तो चाहिए ही। हवा चाहिए यानी O2 चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, पृथ्वी पर मौजूद है। और ये जो चीजें हैं आपकी, भूमि, जल, हवा, ये सारी चीजें जो हैं आपकी पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसलिए पृथ्वी पर हम आराम से रह सकते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। देखिए एक तो पृथ्वी पर भूमि है, जल है, हवा है, यानी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों मंडल आपके हैं पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे तीनों जो आपके मंडल हैं मिलते हैं और जहाँ पे ही आपका जीवन संभव हो पाता है। अगर आपसे कोई कहे आप हवा में जाके लटक जाएं तो क्या हवा में आपका जीवन संभव रहेगा, या फिर आपसे कोई कहे आप समुद्र में जाके अपना बिस्तर डाल लें तो समुद्र में क्या आप रह सकते हैं, या फिर कोई कहे कि रेगिस्तान में जाके आप रहने लगें तो आप रेगिस्तान में भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रेगिस्तान में ना तो आप खेती कर सकते हैं ना ही पीने के लिए आपको पानी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा देखिए स्थान है जहाँ पे तीनों घटक पाए जाते हैं और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ पे आपका रहना संभव है। देखिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तीनों जो घटक हैं आपस में मिलते हैं एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। पृथ्वी की ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसको हम भूमंडल कहते हैं, यानी स्थल मंडल भी कहते हैं। गैस की परत जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई है, कमल की तरह पूरा परत जो है गैस का, जो वायु का परत है वो पृथ्वी को चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको हम वायुमंडल कहेंगे। जहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तथा दूसरी अन्य गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए जरूरी है और नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे कि आपको देखिए जलमंडल की सभी स्थान लिए जाएंगे, बर्फ यानी जो ग्लेशियर है हमारे वो भी हम लेंगे, इसमें जल भी लेंगे और जल वाष्प भी लेंगे, जो कि आपका वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प रहता है, और समुद्र या फिर झीलें, तालाब वगैरह में जल देखेंगे, और जो हमारे ग्लेशियर होते हैं उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये तो होती हैं आपकी जल की अवस्थाएं। आगे देखिएगा जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र। अब देखिए अभी तक हमने तीन मंडल पढ़े, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, लेकिन ये मंडल जो आपके हैं ऐसा कोई अकेला मंडल अगर आप देखें तो उसमें आप जीवित नहीं रह सकते, ना ही आपका जीवन संभव है वहां पे। अगर आप जलमंडल में जाकर रहने लगे तब भी आपका जीवन संभव नहीं है, ठीक है।
अंग देखिएगा, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, जहाँ सभी प्रकार से के जीवन पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे हम रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो एक आपका जीवमंडल होता है जो इन तीनों चीज़ों का उधर पे मिला हुआ क्षेत्र होता है, जहाँ पे स्थल भी रहेगा ताकि आप घर बना सकें, खेती कर सकें, ठीक है, और वहाँ पे जल भी मिलेगा ताकि आप पानी पी सकें, खेती में पानी डाल सकें, और भी चीज़ों में जो भी आपका जल लगता है उसमें कर सकें, और वहाँ पे आपकी हवा यानी ऑक्सीजन भी जाएगी, उसको हम कहते हैं जीवमंडल। अंग देखिएगा, भूमंडल, भूमंडल को समझ लीजिएगा, इधर पे पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं, जो भी हमारा स्थल मंडल होता है उसको हम भूमंडल कहते हैं। यह भूपरपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए कैसा बना होता है, मिट्टी और चट्टानों का बना होता है आपका जीवमंडल, जो मंडल नहीं भूमंडल, और जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, हमारी जो पृथ्वी है उसको हमने दो प्रमुख भागों में बांट दिया गया है। कैसे बांटा है, बड़े स्थलीय भू भागों को हमने क्या कहा है, महाद्वीप कहा है, यानी कॉन्टिनेंट कहा है, ठीक है, तथा बड़े जलाशयों को हमने महासागरीय बेसिन कहा है, यानी ओशियन कहा है, ठीक है। दोनों को याद रखना है कि पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, पृथ्वी की सतह को, ठीक है। इधर पर आपका वायुमंडल का काम नहीं है, सतह की बात कर रहा है, तो एक तो हमने महाद्वीप में बांट दिया, दूसरा हमने महासागर में बांट दिया। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। अगर आप महासागर को देखेंगे तो आप क्या है, अगर आप महासागर को देखेंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो महाद्वीप हैं आपके वो जुड़े हुए नहीं हैं, महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी हम देखेंगे आगे जो इसमें मानचित्र दिया हुआ है उससे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही बड़ा सा समुद्र है अगर आप नॉर्मल देखेंगे, और उसमें आपकी प्लेटें तैर रही हैं, ठीक है, यानी कुछ चट्टानें तैर रही हैं, इस प्रकार से आपको प्रतीत होगा। आगे देखिएगा, पृथ्वी के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, इस चीज को याद रखिएगा, लेकिन महाद्वीप एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हैं, तो देखिए वो जल संधि से जरूर जुड़े हैं, अगर आप श्रीलंका और भारत की बात करें तो जल संधि से जुड़ा हुआ है, लेकिन देखने में बिल्कुल से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि बिल्कुल उसमें से टच है, जिस प्रकार से आपका यूरोप एशिया टच है उस प्रकार से टच नहीं है, ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। आगे देखिएगा, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, क्या होता है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल जो होता है उस पर ऊंचाई कितनी मानी जाती है, शून्य मानी जाती है, वहां से स्थल की ऊंचाई आपकी मापी जाती है। इस चीज को याद रखिएगा कि स्थल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, समुद्र तल से मापी जाती है, और वहां पे उसको शून्य माना जाता है। अंग देखिएगा, ये रहा आपका मानचित्र, इंपोर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें दी हुई है। देखिए इधर पे, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बताऊं, देखिए इधर पे, इधर पे अगर आप देखेंगे इसको, इस भाग को देखिए, इंडिया और जो आपका श्रीलंका है, देखिए इसको, इंडिया और श्रीलंका आपके आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो भाग है इधर से जो जल निकलता है बीच में से, इसको हम जल संधि कहते हैं। जल संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सकरा भाग होता है, ठीक है, और इससे इंडिया और आपका श्रीलंका जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम जल संधि कहेंगे। और एग्जाम में इस जल संधि का नाम पूछा जाता है तो इसमें लोगों का कंफ्यूज क्या रहता है, इसको कहते हैं पाक जल संधि। अब इसको पाक जल संधि कहने के कारण लोग बाग इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और कौन सा देश पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है, तो पाक लिखा मिला तो पाकिस्तान कराते हैं। अब देखिए पाकिस्तान तो ऊपर है आपका, और पाकिस्तान तो सीधा आपका स्थल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उधर तो कोई जल संधि है नहीं, तो याद रखिएगा कि श्रीलंका और इंडिया जो है पाक जल संधि से जुड़े हुए है, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है। अंग देखिएगा इधर पे, अंग देखिएगा और क्या चीज इसमें से इंपोर्टेंट है, देखिए अगर आप इधर में देखेंगे, देखिए जो आपके महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये आपके महाद्वीप दिए हुए हैं। इधर पे आपका क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप दिया हुआ है, इस प्रकार से आपके सात बड़े महाद्वीप है। अब आप देखेंगे तो देखिए इधर पे आप किस प्रकार से ये चीजें आपकी पूरे जो इस प्रकार से आपके जो सागर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन महाद्वीप आपके एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, बस इतनी चीज समझ लीजिए, बाकी चीजें आगे देखिए। अब देखिए एशिया को देख लीजिए, एशिया को देखिए, इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्टेंट है, बाकी हम आगे पढ़ लेंगे तो और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए ये हिमालय पर्वत है हमारा इंडिया में, और देखिए ऊपर इसके तिब्बत का पठार पाया जाता है, तो तिब्बत का पठार किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो एशिया महाद्वीप में। दूसरी बात,
यूरोप और एशिया आपकी एक ही प्लेट है, इसको यूरोप एशिया प्लेट कहते हैं। और यूरोप को एशिया किस पर्वत से, यूरोप एशिया किस पर्वत से एक दूसरे से अलग होते हैं, तो आपकी इसमें से यूराल श्रेणी आपकी निकली हुई है, यूराल पर्वत। एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया और यूरोप किस पर्वत श्रृंखला से अलग होते हैं, तो आपका यूराल श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रृंखला इसको दोनों को अलग कर देती है। और ये प्लेट जो आपकी एक ही प्लेट है, आप देख पा रहे होंगे कि एक ही प्लेट है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो देखिए आल्पस रही आपकी इधर पे यूरोप में, आल्पस कहाँ है आपकी यूरोप में। आप इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए इधर पे, इधर पे देखिए आप, एक तो आपका होता है आल्पस, एक होता है आल्पेसियन, एक होता है रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत अगर आप देखेंगे तो उत्तर अमेरिका में आपको मिल जाएगा, रॉकी आल्पेसियन। रॉकी आल्पेसियन आपको क्या करना है, उत्तर अमेरिका में याद करना है, और आल्पस पर्वत आपको क्या करना है, यूरोप में याद करना है। ठीक है, अब देखिए आल्पस, आल्पस अगर आप इसको याद करेंगे तो इसमें आपको पा, पा का उच्चारण साफ साफ दिख रहा है, क्या देखेंगे आप इसको, आल्पस, आल्पस इसको आप इस प्रकार से याद करेंगे, आल्पस, आल्पस पर्वत। ठीक है, तो इसमें आपको पा का उच्चारण दिख रहा है, और यूरोप में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पा मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको कि आल्पस और यूरोप कहाँ है, यूरोप में आल्पस पर्वत है, इसको याद रखिएगा। इधर पे आप देखेंगे तो इधर पे आपको भूमध्य सागर मिलेगा, भूमध्य सागर कहाँ पे है, तो देखिए यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपका भूमध्य सागर है, कहाँ है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है, इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा देखिएगा इधर में, देखिए आल्पेसियन, आल्पेसियन यानी इसमें जो पा का उच्चारण है आपको कम दिख रहा है, ठीक है, और उत्तर अमेरिका में भी पा कहीं भी नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इधर पे आपको आल्पस में पा का उच्चारण ज़्यादा मिल रहा है, तो यूरोप में भी पा का उच्चारण है, यूरोप में भी पा है। ठीक है, आल्पेसियन में भी आपका पा है लेकिन उच्चारण उसका उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको याद रखना है कि आल्पेसियन तथा रॉकी उत्तर अमेरिका में, आल्पस पर्वत आपको कहाँ मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। और यूरोपीय इसके को अलग करने वाला पर्वत आपका क्या होता है, यूराल पर्वत होता है। और इसके अलावा तिब्बत का पठार आपको कहाँ मिलेगा, तिब्बत का पठार आपको हिमालय पर्वत के उस पार मिलेगा, एशिया में मिलेगा, इस चीज़ को याद रखना है। आगे देखिएगा और इसमें क्या है, और इधर से जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर आप इसको अफ्रीका को देखें तो देखिए पहली बात तो इसमें सहारा मरुस्थल पाया जाता है, सहारा मरुस्थल हमारा वर्ल्ड पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका। ठीक है, गर्म गर्म स्थान है सहारा मरुस्थल, बहुत बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा देखिए नील नदी किस किस महाद्वीप में बहती है, तो नील नदी आपकी दुनिया की सबसे बड़ी, बड़ी नहीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बड़ी तो आपकी अमेजन हो जाएगी लेकिन सबसे लंबी नदी है वो कौन सी, आपकी नील नदी किस कॉन्टिनेंट में बहती है, अफ्रीका में बहती है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, अफ्रीका में है, अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग पूछा जाता है अफ्रीका के कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो देखिए एटलस मिल जाएगा आपको इधर पे, एटलस पर्वत कहाँ पे है आपका, तो अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा एक चीज़ और इधर पे आपकी पूछी जाती है, अमेजोन नदी किस कॉन्टिनेंट में बहती, तो वो आपकी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पूरा दक्षिण अफ्रीका को घेर रही है। तो ये जो हमारी कहाँ पे स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इस चीज़ को याद रखना है। अब एक लास्ट बात आपको क्या याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपका यहाँ पे, इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आपके इधर पे, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है और ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है आपके, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और इधर पर आपकी जो मरे डार्लिंग नदी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में ही बहती है इस साइड। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे देखिएगा इधर में और चीज़ आपकी क्या है, देखिए इधर से आपके और जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बनते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों ये जो आपकी बृहस्पति व्रत और जो आपकी 0°C 23.5 ऊपर 23.5 नीचे कर्क मकर, ये तीनों गुजरती हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो अफ्रीका है यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और कहीं से भी आपको तीनों रेखाएं गुजरती नहीं प्रतीत हो रही हैं, ना दिख रही हैं और ना होती हैं वास्तव में। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कि अफ्रीका से आपकी तीनों यहाँ पे गुजरती हैं। इसके अलावा देखिए अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि इसकी खोज काफ़ी दिनों बाद हुई थी, तो इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और आपका जो ये है अटलांटिक, देखिए इधर पे अटलांटिक नहीं अंटार्कटिका, ये आपका 7 नंबर है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे कोई भी देश नहीं है क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही जमी रहती है, तो देश कैसे होगा और लोग कैसे रहेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका एक भी देश नहीं है। और ये आपका जो है
इधर पे जो आपके वो होते हैं, इधर पे आपके विज्ञानक वगैरह जाते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इतनी चीज़ हमने समझ ली, बाकी जो इसमें दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं, जिसने जितनी जानकारी थी उतनी दे दी है, इसके अलावा इसको देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर छूट गया कुछ इधर पे, देखिएगा इधर से, हाँ यही से देखना था, चलिए इधर को इस देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो कि आपका माउंट एवरेस्ट हिमालय पे है, आपको पता होना चाहिए कि हिमालय पे है और ठीक है एशिया में है, ठीक है। इसके बाद देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है 8,848, लेकिन अब इसकी जो ऊंचाई 8,850 हो चुकी है, ठीक है, ये पुरानी किताबें प्रिंट है, 8,850 इसकी ऊंचाई हो चुकी है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मरियाना गर्त है, इसकी गहराई जो है आपकी 11,022 मीटर है। इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग कहां है, तो कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में, नाम क्या है, मैरियाना गर्त, इसकी गहराई कितनी है 11,000, यानी जो सबसे ऊंचा शिखर है उससे भी ज्यादा इसकी गहराई है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है, सोचा नहीं था लेकिन है, ठीक है। मैरियाना गर्त है कहां पे है, प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा गहराई। इसमें देखिएगा, देखिए आपके न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए न्यूजीलैंड अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आपके एडमंड हिलेरी थे, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो तेंजिंग नॉर्गे थे। इसके बाद देखिए, जापान की जोंको ताइवे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचिंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 1984-23 मई में कदम रखा एवरेस्ट पर। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कुछ नाम हैं जिसको आपको याद रखना है। अब देखिए महाद्वीप की बात करते हैं, एक एक को महाद्वीप को देख लेते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, मैंने आपको 7 प्रमुख महाद्वीप बताए हुए हैं, कौन कौन से, एक दूसरे जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी स्थल से नहीं जुड़े हुए हैं, जल संधि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये महाद्वीप आपका पहला तो एशिया है, दूसरा यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आपका जो कि दक्षिण ध्रुव में है। अंग देखिए, अब विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, ये चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई थी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, स्थल मंडल का भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए उत्तरी गोलार्ध से इनके कहने का क्या मतलब है, आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं दो, ठीक है, अगर हम मैप को देखें, पृथ्वी को देखें तो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में बांट देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप डाल देते हैं, तो अगर आप इस साइड देखेंगे तो स्थल मंडल आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप इस साइड देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो आपको स्थल मंडल कम दिखेगा। तो ये चीज़ बता रखा है कि स्थल मंडल कहाँ पर ज़्यादा है, आपका उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है। आगे देखिएगा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया में ही आपका भारत आता है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। अब लगा लीजिएगा आप अंदाज कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरती है लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से नहीं गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा हमारे जो भारत के 8 राज्य उनसे होकर भी गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत तो इसे यूरोप से अलग कर देता है, मैंने आपको दिखाया था कि देखिए अगर देखिए इधर पे आपका क्या है एशिया इस साइड है तो इस साइड एक आपकी रेंज रहेगी, कौन सी रहेगी, यूराल पर्वत रहेगा, फिर आपका इस साइड रहेगा यूरोप, ठीक है। तो क्या है आपकी एशिया को क्या करती है, पश्चिम में यूराल पर्वत है, पश्चिम ही तो रहेगा, इस साइड पूरब हो जाएगा, इस साइड आपका पश्चिम हो जाएगा, तो पश्चिम में क्या है आपका, सॉरी पश्चिम रहेगा, पश्चिम में क्या है इसकी, यूराल पर्वत है, याद रखिएगा पश्चिम में है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक ही प्लेट है और इसके संयुक्त भाग को क्या कहते हैं, यूरोपेशिया कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, यूरोपेशिया नहीं यूरेशिया कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेट है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यूरेशिया कहेंगे। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, यूरोप के बारे में देखिएगा साइड में उसके यूरोप है, जो यूराल पर्वत एक दूसरे को इनसे अलग कर देता है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, एशिया के पश्चिम में ही स्थित है, क्योंकि एशिया अगर आपका इधर है इस साइड है तो यूरोप आपका इस साइड है, ठीक है।
आर्कटिक व्रत इससे होकर गुजरता है। याद रखिएगा यूरोप से क्या है आर्कटिक व्रत आपका जो 66.5 रहेगा उत्तर में वो इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए इसकी स्थिति का पता लगाइए। चलिए देख लेते हैं ये तीन तरफ से किस प्रकार से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ से तो आपको पता है एशिया से घिरा हुआ है। इस साइड तो आपका एशिया रहेगा। इस साइड देखेंगे आप तो ये रहेगा आपका भूमध्य सागर। इसको थोड़ा जूम करेंगे इसको देखिएगा इस साइड तो यूराल पर्वत इसके है लेकिन इस साइड इसका भूमध्य सागर है। इस साइड देखिए आर्कटिक महासागर है। इस साइड क्या रहेगा आपका अटलांटिक महासागर इस साइड रहेगा। इस साइड आपका आर्कटिक महासागर रहेगा। इस साइड आपका भूमध्य रहेगा। तो तीन साइड से घिरा हुआ है जल से और एक साइड से स्थल से घिरा हुआ है। यही चीज इसमें बताई हुई है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देखिए 66.5 ये रहा आपका 60 और 66.5 को इस प्रकार से इसको काट देता है। ठीक है हमें याद रखना है कि इसको 66.5 इस प्रकार से आपका काटता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा और इसमें क्या है आपका यूरोप हो गया। अफ्रीका का देखिए अफ्रीका एशिया के बहुत अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा महाद्वीप है। अफ्रीका क्या है आपका एशिया के बाद यानी विश्व का सबसे दूसरा महाद्वीप कौन सा है आपका कौन सा है अफ्रीका है। और ये अफ्रीका क्या है आपका यूरोप के जस्ट नीचे है। ठीक है विषुवत व्रत या 0° अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है। अफ्रीका जो आपका ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं आपकी गुजर जाती हैं। तो देखिए विषुवत व्रत जो इसका है बीच से लगभग गुजर जाता है। इसके अलावा देखिए अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है ज़्यादा भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है और कम भाग आपका दक्षिण गोलार्ध में रहेगा। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसका। देखिए आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क मकर और विषुवत व्रत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इंपोर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि तीनों जो रेखाएं हमारी किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं तो अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान मैंने आपको बताया है जो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के उत्तर में स्थित है आपका सहारा का रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। यह चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। एक बात करें तो यह आपका द्वीप बन जाएगा। ठीक है और इसके अलावा जो आपका है इधर में चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ से बहती है अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए कर्क रेखा मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है इसको देखिए। चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं एक बार और देखिएगा इसको अफ्रीका। तो इसमें आपका क्या है इधर पे आप देखिए इसको इस साइड तो भूमध्य सागर है। इसके बाद आपका अटलांटिक है। इस साइड आपका हिंद है और नीचे की साइड आपका क्या है नीचे की साइड आपका दक्षिणी महासागर है। ठीक है तो ये है आपका और देखिए विषुवत व्रत यानी 0° आपका लगभग इसके मध्य से गुजरेगा। सारा मरुस्थल इसके उत्तर में स्थित है। ड्रेकेंसबर्ग इसके दक्षिण में स्थित है। एटलस भी आपका ऊपर की साइड स्थित है इसमें और इससे तीनों रेखाएं आपकी गुजर रही हैं। बस इतनी जानकारी आपको इसमें रखनी और ये डार्क कॉन्टिनेंट भी आपका ठीक है इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है अंध महाद्वीप इसको कहा जाता है तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इसकी खोज जो है इधर पे पहले क्या थे बहुत ही सारे जंगल थे तो इसकी खोज काफी टाइम बाद हुई थी। इसका देखिए हमने देख लिया इधर पे उत्तरी अमेरिका देख लीजिए आप जो उत्तर की साइड है उसको हम उत्तरी अमेरिका कहेंगे जो दक्षिण की साइड है उसको हम दक्षिण अमेरिका कह देंगे। देखिए उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे महाद्वीप है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तीसरा। ठीक है फर्स्ट में कौन था आपका एशिया सेकेंड में कौन था आपका अफ्रीका अब तीसरे में कौन सा आ गया आपका उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है। यह है अमेरिका यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जलसंधि कहते हैं। ठीक है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक जलसंधि से जुड़ी हुए हैं जिसका नाम क्या बताएंगे आप लोग पनामा जलसंधि। पनामा जलसंधि याद रखिएगा पनामा जलसंधि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखिए इधर पर किस प्रकार से बता रखा है इन्होंने ये वाली आपकी जलसंधि। ठीक है पनामा जलसंधि सॉरी स्थल संधि आपकी जलसंधि नहीं है। इसके बाद देखिए श्रीलंका मैंने आपको बताया था पाक जलसंधि से जुड़ा हुआ है लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए इधर पे कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध देखिए उत्तरी पश्चिमी यानी इस प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं तो ये रहेगा आपका पूरब ये रहेगा पश्चिमी रहेगा उत्तर ये रहेगा दक्षिण तो उत्तरी पश्चिमी आपका ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बताया गया कि उत्तर अमेरिका कहाँ है उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं तो बिल्कुल हम इनके महासागरों के नाम क्यों नहीं बता सकते हैं चलिए ऊपर देख लेते हैं। देखिए इधर पे किस प्रकार से घिरा हुआ है इसको देखेंगे। देखिए इधर पे इधर तो ये प्रशांत महासागर
महासागर से घिरा हुआ है, इधर से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, ऊपर ये आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है, ये तीनों चीजों से घिरा हुआ है। आगे देखिएगा इधर पे और देखेंगे दक्षिण अमेरिका। तो अभी हमने उत्तर अमेरिका देखा, अब हम दक्षिण अमेरिका देख लेंगे। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उसको हम दक्षिण अमेरिका नाम देते हैं। आगे देखिएगा इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर हैं, इसको देख लेना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो आपकी एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, याद रखिएगा ऊपर से नीचे की साइड आना है। अगर हम इसको इस प्रकार से देखेंगे, एंडीज पर्वत श्रृंखला को इस प्रकार से फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की साइड फैली हुई है, विश्व की सबसे आपकी लंबी पर्वत श्रृंखला है, कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में क्या है, की सबसे बड़ी नदी, लंबी तो आपकी नील नदी है लेकिन बड़ी आपकी अमेजन है, और नील नदी जो आपकी अफ्रीका में बहती है वो अमेजन नदी जो आपकी दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपका देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये क्या है आपका लास्ट महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, और देखिए पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, तो एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है, और दूसरा आपका अंटार्कटिका हो जाता है, क्योंकि तो पूरा गोलार्ध पे ही स्थित है, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध पे ही स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों नहीं कहेंगे, जब चारों तरफ से घिरा हुआ है तो इसको हम द्वीपीय महाद्वीप कह देंगे। और देखिए अटलांटिका आपका अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा है, ठीक है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से स्थित है, कहाँ है इसके महाद्वीप के, दक्षिणी ध्रुव मध्य में स्थित है, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ रहता है, यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे है, भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री आपके दो हैं। याद रखिएगा कि अंटार्कटिका में जो हमारे भारत के हैं कौन से दो आपके शोध संस्थान वहां पे स्थित हैं, तो कौन से हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, यहाँ पे वैज्ञानिक लोग जाते हैं, काम करते हैं, और बस क्योंकि वहाँ पर बहुत शांति रहती है तो इसलिए वहाँ पे काम करते हैं, आ जाते हैं, जितने दिन काम करना होता है तो कर लेते हैं। देखिए जलमंडल, अभी हमने सारे स्थल मंडल देखे हैं, हम जल्दी से जलमंडल को देख लेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो सतह है 71% जल में है, ठीक है, जल से घिरा हुआ है, और जो आपका 27% भाग बचता है, 29% भाग बचता है वो आपका स्थल है। जलमंडल में, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जलमंडल में जल के सभी रूप, सभी रूप यानी महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत यानी भौम जल, हिम नदियां मीन्स आपका रहेगा जो आपके ग्लेशियर होते हैं, झीलें, नदियां, महासागर, जल, भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प, सभी सम्मिलित हैं, सारी चीजें हमने जलमंडल में ली हुई हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में। अब बताइए, एक तो आपका 71% पूरी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, ठीक है, 71% में से आपका 97% जल महासागर में, जो कि हम पी नहीं सकते। अब बचा कितना आपका 3%, यह जल इतना खारा है कि देखिए इधर पे आपका चित्र बना हुआ है, इसको देख बाद में छोड़ दीजिए, इसको मानव के उपयोग के लिए नहीं आ सकता, इतना खारा है कि हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, अब जो वो 3% भाग बचता है आपका, अपना खुद सोचिए कि जो 3% है उनमें से ही ग्लेशियर पे जमा हुआ है, और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जो ग्लेशियर में जमा हुआ है वो आपका नदियों में आता है, उसी का हम यूज करते हैं, वो जल आपका अच्छा होता है। भूमिगत जल यानी आपका भूम जल, यानी जिसको हम वाटर लेवल कहते हैं, वाटर लेवल नीचे गिर जाता है, यानी भूमिगत जल आपका नीचे चला जाता है। तो 3% जल आपका क्या है, शुद्ध जल है। शुद्ध जल आप बोल सकते हैं कि इसमें नमक नहीं पाया जाता है, NaCl की मात्रा इसमें नहीं होती है, ठीक है। जल का बहुत कम भाग आलावर जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, कमी महसूस करते हैं पानी की, क्योंकि नीला ग्रह तो है लेकिन महासागर में जल ज्यादा है, ठीक है, पीने वाला जल हमारे पास ज्यादा नहीं है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, महासागर क्या है, जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, यानी हमेशा इसमें गतियां होती रहती है। इसकी गतियां कौन सी होती हैं, तो देखिए तरंगे, ज्वारभाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन प्रमुख गतियां हैं। और इनकी गतियां आपको याद रखना है कि जो ज्वारभाटे होते हैं, जल का ऊपर उठना, नीचे गिरना, या फिर तरंगे, या फिर महासागरीय धाराएं, तो जल की गतियां होती हैं, मतलब महासागरीय जल की ये तीन प्रमुख गतियां होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर देखिए 5 प्रमुख
आपका महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। तो पांच है महासागर, इसको याद रखिएगा कौन कौन से है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आपका कौन कौन से है, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब आप एक चीज बताइए कि जो हमारा मरियाना गर्त था वो कौन से महासागर में स्थित था। हमने पढ़ा था अभी कि जो हमारा सबसे गहरा बिंदु है वो कौन सा है, मरियाना गर्त है। कौन से महासागर में स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है, तो देखिए 11022, इसकी 11022 किलोमीटर गहराई है इसकी, 11022 मीटर है, ठीक है, यानी 11 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है, याद रखना है सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत या मरियाना गर्त पाया जाता है। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैलाया हुआ है, कितना, एक तिहाई भाग पर, 1/3 भाग पर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार यानी गोल है, ठीक है, लगभग गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इनकी चारों ओर स्थित है। आप इसको जब मानचित्र में जाके देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि एशिया, एक बार इसको देख लेते हैं, कौन कौन सा आपका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आपका उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित हैं। एक बार आप इसको देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा इधर पे, इसको जब आप देखेंगे इधर पे, पहली बात तो आपको देखना है कि ये गोल आपका है और इसको चपटा करके इसमें बनाया हुआ है। अब जब ये वाला भाग एक दूसरे के पीछे जाके जोड़ेंगे तो पूरा गोल भाग आपका आ जाएगा। और बता रखा है कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इसके बाद एशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये चारों तरफ से इसको घेरता है। ये जो स्थलमंडल है ये प्रशांत महासागर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये जो चीज़ है आपकी चपटी करके बनाई हुई है गोल चीज़ को, ठीक है, जो हमारा ग्लोब है उसको चपटा करके इधर पर रखा हुआ है। और जब इसको हम पीछे की साइड जोड़ देंगे इन दोनों पार्ट को, तो ये कहाँ कहाँ से घिर जाएगा, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से घिर जाएगा और एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिर जाएगा। तो यही चीज इसमें से बताना चाह रहा है, वही चीज मैंने आपको बताई है। देखिएगा आगे देखेंगे, ये गोल है लगभग, ठीक है, और ये घिरा हुआ है, चित्र में आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है, कौन सा आपका, अटलांटिक। अभी हमने कौन सा पढ़ा, प्रशांत महासागर, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर। तो देखिएगा, यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, मैं आपको बता दूंगी किस प्रकार से एस अक्षर के आकार का है, थोड़ी देर में इसको देख लेंगे। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा एशिया है। इसको भी आपको एक बार देखना है, ठीक है, इसको भी एक बार हम इसको देखेंगे। देखिएगा अटलांटिक महासागर, ये रहा आपका, इस प्रकार से एस बनाता है, इस प्रकार से ये जो आपका महासागर है पूरा इस प्रकार से है। और इसको देखिएगा पूरब में अगर आप देखेंगे तो यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, और पूरब के पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसको घेरते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा और इसमें क्या चीज़ें इसकी जानकारी दी हुई है, इसको इधर से देखना है। ये एस अक्षर का है और इसके पश्चिम और पूर्व में मैंने आपको दिखा दिया है किस प्रकार से घिरता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, अटलांटिक जो महासागर की तट रेखा है बहुत ही दंतुरित है। याद रखिएगा कौन से महासागर की तट रेखा सबसे ज़्यादा दंतुरित है, तो वो है आपकी इसकी क्या है, अटलांटिक महासागर की सबसे ज़्यादा तंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित, दंतुरित यानी कटा फटा, ठीक है, इसको देख लीजिए, ये रहा आपका इस प्रकार से, इसकी इस प्रकार से कटी हुई सी, ठीक है, इसको कहते हैं दंतुरित यानी दांतों के जैसे। अंग देखिए, देखिएगा इसमें से और क्या है इसका, तंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श है, यानी अगर व्यापार करना है, जहाज रुकना है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा अच्छा आपका महासागर माना जाता है। व्यापार की दृष्टि सबसे व्यस्त महासागर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यापार की दृष्टि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो हमें याद होना चाहिए अटलांटिक है, ठीक है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है, ये वाला आपका खत्म हो गया। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर पड़ा है, ठीक है। पहले हम भारत को हिंदुस्तान बोलते थे और हिंदुस्तान के ही नाम पे इसका हिंद महासागर पड़ा हुआ है नाम, ठीक है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, इसकी आप स्थिति देख लेना, त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया यानी ऊपर की साइड देखेंगे एशिया, क्योंकि जस्ट आपको पता है कि जैसे ही हम इधर पे इंडिया देखते हैं तो इंडिया के जस्ट नीचे हिंद है, ठीक है। और अगर हिंद की स्थिति और ऊपर की साइड एशिया में देखेंगे तो ये उत्तर की साइड है, ठीक है। पश्चिम में क्या है, यह है अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। अगर इसके हम इस साइड देखेंगे पूर्व के साइड, तो इधर पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। अगर इस साइड जाएंगे तो इस साइड आपको अफ्रीका दिख जाएगा, जिसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आगे देखिएगा,
दक्षिणी महासागर, दक्षिण में स्थित है ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक महाद्वीप को चारों तरफ से घिरता है, अटलांटिक महाद्वीप जहाँ पे हमारे क्या है शोध संस्थान रहते हैं ठीक है, तो उसको क्या करता है चारों तरफ से घिरता है। यह अटलांटिक महाद्वीप की के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहाँ पे है आपका यह है अटलांटिक, अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर क्या है आपका 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। अंग देखिए आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव भारत में स्थित है। आर्कटिक देखेंगे तो हम उत्तर साइड स्थित है और हम दक्षिणी महासागर देखेंगे तो दक्षिण ध्रुव पे स्थित है ठीक है। यह है तथा यह उत्तर ध्रुव को चारों तरफ चारों ओर फैला हुआ है। ये जो हमारा दक्षिण महासागर था वो आपका फैला हुआ था और जो आर्कटिक महासागर अगर हम इधर पे देखेंगे तो उत्तर ध्रुव में भारत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। याद रखिएगा किस प्रकार से जुड़ा हुआ है प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर तो आपका बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। यह है उत्तर अमेरिका के उत्तरी भागों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, तो आप इसको देख लेना कि किस प्रकार से घिरा हुआ है। इसके बाद देखिए वायुमंडल, तो आपका वायुमंडल ठीक है, वायुमंडल भी आपका रह गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर इधर पे और आपको इसको और देखेंगे। 35 मिनट आपके हो चुके हैं, इसमें आपका 15 मिनट के आसपास और टाइम लगेगा। देखिए हम वायुमंडल को इसको देखते हैं, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। बिल्कुल हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी गैस, पृथ्वी जो है चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जो कंबल की तरह उसको घेरे हुए है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। देखिए वायु तो हमें जरूरत है, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। हम वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, यानी हमें कुछ ऐसी भी वायु मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं और कुछ ऐसी भी गैसें हैं जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती हैं। तो आप बताएंगे क्या कि इसमें से कौन सी गैस है आपकी, तो देखिए ओजोन जो आपकी होती है O3 ठीक है, वो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, यूवी रेज से बचा लेती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करने पर क्षोभ समता मध्य आयन बहिर, तो इसको आपको लाइन याद रखनी है, क्षोभ समता मध्य आयन बहिर यानी क्षोभ समता मध्य आयन बहिर, इस प्रकार से ऊपर की साइड जाएंगे तो इस प्रकार से इसको बांटा गया है ठीक है। अब देखिए वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ये जो आपका दिया हुआ है क्षोभ मंडल, देखिए इधर पे आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस प्रकार से आपके मंडल दिए हुए हैं, एक एक करके हम इसको देख लेंगे। देखिए इधर पे देखिए वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। क्यों इसको बोल रखा है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन तो 21% पाई जाती है और नाइट्रोजन जो आपको पता होना चाहिए कि 78% पाई जाती है। बाकी जो गैसें अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है 0.03 पाई जाती है, आर्गन अगर आप देखेंगे तो 0.93 पाई जाती है, और भी जो गैसें हैं और भी कम मात्रा में पाई जाती है, यानी 1% में सारी गैसें आपकी आ जाती हैं। देखिएगा आगे देखिए जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। 99% कौन सा भाग है आपका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ठीक है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है। दूसरी गैसें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन वगैरह मैंने आपको बताया कि 1% है, और भी छोटी छोटी गैसें आपकी मतलब कम कम गैसें हैं कम मात्रा में वो भी आपकी 1% में ही आ जाती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि भी बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। ये क्या करती है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा जो हीट होती है उसको अवशोषित कर लेती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। आपको पता है पौधे जो हमारे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे, तो इसी के कारण तो कहते हैं, तो उनकी वृद्धि के लिए तो ये आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर बहुत अधिक होता है। याद रखिएगा घनत्व कहाँ पे अधिक होता है, समुद्री तल पर वायु का घनत्व अधिक होता है। हम जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तेजी से घटता जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊपर यानी ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायु जो है ब्रल अवस्था में पाई जाती है, यानी उतनी सघन नहीं पाई जाएगी, ब्रल पाई जाएगी। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी आपका घटता है। तापमान क्या होता है, घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, वायुमंडल जो आपका है पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग होता है।
वायुमंडल क्या है? आपका पृथ्वी पर दबाव डालता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम। देखिए अधिक दाब हमें समुद्र तल पर महसूस होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अधिक दाब वायु का कहाँ होता है तो वो आपका समुद्र तल पर होता है, स्थल में कम होता है समुद्र तल की अपेक्षा, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, देखिए दर पर वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इसको याद रखना है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी एचपी से एलपी बहती है, याद रखिएगा। एग्जाम में वायु की गति आपकी पूछी जाती है तो उच्च वायु दाब क्या है इधर पे, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, याद होगा आपको। अंग देखिएगा जीवमंडल, जीवमंडल स्थल जल तथा वायु बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं, यानी छोटे छोटे जीव, बड़े से बड़ा जीव यहाँ पर पाया जाता है जीवमंडल में। मनुष्य सहित सभी प्राणी आपके जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े होते हैं। सभी प्राणी आपके एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो पेड़ पौधे, आप जुड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ के बैठ जाओ, जैसे अगर आप पेड़ को देखेंगे तो अगर पेड़ नहीं रहे तो क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगी, क्या आपको फल फूल खाने के लिए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो ये इस प्रकार से एक दूसरे से सब लोग जुड़े होते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप देखें कि अगर जलमंडल ना रहे या फिर वायुमंडल ना रहे या फिर स्थलमंडल ना रहे, इन तीनों मंडलों में से कोई एक मंडल गायब हो जाता है तो क्या आप रह सकते हैं, क्या जीवन संभव है? नहीं, तो बिल्कुल जीवन संभव नहीं है। तो ये मंडल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। आपको पता होना चाहिए जहाँ पे वन और पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ की मिट्टी जो होती है एकदम बंधी हुई रहती है, और वहाँ पे क्या है, जहाँ पे वन वगैरह नहीं होते हैं या फिर उधर पे पेड़ों की कटाई हो जाती है तो वहाँ की जो मिट्टी है धड़कने लगती है, यानी उधर पे ढलुआ भाग हो जाते हैं, यानी लुढ़कने वाला भाग होता है, और लुढ़कने वाले भाग से मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी तरह प्राकृतिक आपदा जैसे आपकी भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाना, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए तरफ क्या होता है कि देखिए प्रदूषित जल है तो क्या आप उसको पी सकते हैं क्या? देखिए झीलें और नदियां आपकी आलाबड़ा जल वाली हैं, यानी पीने वाला जल इसमें रहता है, और अगर आप उसको दूषित करते हैं, उसमें दूषित पदार्थ डालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ उसमें डालते हैं तो वो पदार्थ, वो पानी जो होगा दूषित हो जाएगा। अब पानी दूषित होने के कारण तो आप उसको पी ही नहीं सकते, यानी पीने में तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, वो पानी आपका खराब होगा। मेन चीज दूसरी बात क्या है, अगर आप पानी को दूषित करते हैं तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, और जब उनको नुकसान पहुंचेगा तो वो मरेंगे। अब वो मरेंगे तो पानी और ज्यादा खराब होगा, क्योंकि उसके सड़ने गलने से क्या होगा, और भी जीव जंतु मरेंगे, ठीक है। तो आपको पानी को दूषित नहीं करना है, यही चीज इसमें बता रखी है, और कुछ नहीं है। आगे देखिएगा उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। जो जैसे हम डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका वायु का प्रदूषण होता है, या किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो उससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और जो हमारा ये आपका ईंधन जलता है इससे भी वायु प्रदूषित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। और देखिए बाढ़ और सूखा दोनों की स्थिति बनेगी, किस प्रकार से बनेगी। देखिए अगर हमारा जल जो है आपका बाष्प बन के अगर ऊपर नहीं जाता है तो बाढ़ की स्थिति भी बनेगी। इधर आपको याद रखना है कि इधर से आपकी बाढ़ की स्थिति, सूखा की स्थिति बनेगी, और बाढ़ की स्थिति आपको देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघला देगी तो स्थल पर पानी आ जाएगा तो तटीय क्षेत्र डूबेंगे,
पर्वतीय क्षेत्र अगर डूबते हैं तो बाढ़ की स्थिति बनती है। ठीक है, अंग देखिएगा, पृथ्वी के तापमान वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों में सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी हमें संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना है कि भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों में संतुलन बना रहे। इतनी चीज बता रहा है और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। इसके अलावा आगे देखिएगा, इधर पे आपका आपका जलमंडल दिया हुआ है, किधर आप देखेंगे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और फिर हम आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, पशु पक्षी भी आपके आराम से रह सकते हैं, पेड़ पौधे भी रह रहे हैं। ठीक है, तो एक जीवन के लिए अच्छी जगह चाहिए और जो आपका जलमंडल होता है। इसके अलावा जब आप इसको देखेंगे, देखिए क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल जो आपका है, अगर इसमें हम ऊपर की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, आपका नीचे की साइड गिरने लगता है। ठीक है, अगर हम समताप मंडल में जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो आपका है ऊपर जाने पर, इसमें टेम्परेचर जो आपका है बढ़ने लगता है। इसमें अगर ऊंचाई की साइड जाएंगे टेम्परेचर नीचे गिरेगा, समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि समताप मंडल में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है घटता है, तो ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखिए इसमें आपकी ओजोन परत होती है, ओजोन परत क्या होती है, सूर्य की किरणों को अवशोषण कर लेती है, अवशोषण करने के कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। लेकिन मध्यमंडल में जाएंगे हम तो फिर से यहाँ पे टेम्परेचर गिरने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें रुकती नहीं है। लेकिन अगर हम आयन मंडल, बाहर मंडल में जाएंगे तो वहाँ पे फिर टेम्परेचर आपका बढ़ता ही जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, इधर पर पाई जाती है। मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, हवाई जहाज हम लोग कहाँ उड़ाते हैं, समताप मंडल में वहाँ उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौसमी संबंधी घटना नहीं होती है समताप में, इसलिए यहाँ पे उड़ाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा इधर पे आपका चैप्टर समाप्त होता है, अभ्यास आपका दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कुछ उसमें है नहीं। महाद्वीपों के नाम बताइए, परिमंडल के नाम बताइए, वायुमंडल की परतें, पृथ्वी को नहीं लग रहा है क्यों कहा जाता है, उत्तर गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपकी छोटी छोटी हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप एशिया को अलग करती है, यूराल करती है, और इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। और देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से किस कैसे जुड़ा हुआ, आपका स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन इसका हो जाएगा, इसका यूराल हो जाएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है, तो ठीक है ठोस चट्टानों से जो बना है थलमंडल आपका बना हुआ है। वह सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमें पता है एशिया महाद्वीप। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, खालिस्तान का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी भरना चाहें तो भर लीजिए। इधर पर आपका चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर एक बार में चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज करके वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्योंकि देखिए 40-45 मिनट का वीडियो है, लेकिन इससे आपको बहुत ही ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो हम मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।